हमारे खेत है, देखो कैसे पूरे भरे हुए, पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है और इसका पानी जो है यहाँ से निकल रहा है कुछ इस तरह से, देखना ऐसे लग रहा है जैसे झरना होता है ना, पूरा वही सीन है। और ये चोहे का पानी इतना तेज फ्लड पूरी तरह से बह रहा है, देखो क्या हालत हो रखी है इस खेत की, सारे खेतों का पानी यहीं पे आता है। गुड मॉर्निंग गाइस, बड़ी टेंशन की बात है, घबराहट की बात है कि बारिश लगातार लगी हुई है, 30 घंटे हो चले बारिश होते हुए, कल सुबह से लगी हुई है और अभी तक एक मिनट के लिए बारिश बंद नहीं हुई। और हिमाचल में काफ़ी जगह पे फ्लड आ रहे हैं, पंजाब में भी काफ़ी जगह पे बाढ़ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो प्लीज़ जो लोग अपने घर में सेफ हैं वो घर से बाहर ना निकले, और अगर ज़्यादा ज़रूरी है घर से निकलना तब जाएं, और पूरी सावधानी के साथ। आज मैं और मम्मी ने बारिश का पूरा मज़ा ले रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, जो फालतू सामान है उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर तो काम हो नहीं सकता, तो मम्मी बिना काम किए रह नहीं सकते ना मम्मी, तो मम्मी कहते हैं कि जो सामान फालतू उसको निकाल देते हैं फटाफट से जब तक सिद्धार्थ हो रहा है, अगर वो होता ना तो वो सारा सामान बाहर निकाल देगा, हमारा भी है ना मम्मी। हाँ हाँ जी, ये रख लो फिर, ये नहीं ये रख लो, जो नए बर्तन है ना वो निकाल लो, जो पुराने वाले उसको उठा लो ना। मम्मी और प्लीटी दोनों काम करने लगे, मेरे को जो ढूंढना था वो मिल गया, मेरी टी शर्ट और शर्ट गुम हो रखी थी ना, मैंने एक बार नहीं पहनी, मतलब ऐसे किसी ने लगी मेरे किट में डाल के बैग में, तो मेरे को मिल गई, और अब मैंने उनको बोला कि आप काम करते हो, लेकिन नहीं उनके साथ जा करके हेल्प कर रहा, इतना सारा सामान हमने उठा के रखा, कुछ निकाला कुछ पुराने कपड़े निकाले, तो वो सारा सेट करना पड़ेगा सिद्धार्थ के उठने से पहले। बाहर बारिश कंटिन्यू लगी हुई है, और इस बार हमारे घर पे ना सीलन नहीं आई, नहीं तो यहाँ पे सीलन आती थी, उस कॉर्नर में सीलन आती थी, और पूरा लेंटर डल चुका है ना, तो हमारे घर में इस बार सीलन नहीं आई, सीलन से मुक्ति मिल गई हमें, शुक्र है, नहीं तो हमारे ऊपर ना घर के ऊपर से ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि पानी भी नीचे टपकने लगे, मतलब इस तरह की हालत यहाँ पर हो जाती थी। यहाँ पर भी इस बार सीलन नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सी है क्योंकि पहले की है पुरानी, नहीं आई सर। ये किसका है? ये प्रिया अपन वाले देखो विच है रे होने कर ला प्यार होने कर गया टाइम में सामान ले ना खुशी मम्मी सुप्रिया सफाई कर दी, जो फालतू सामान था वो निकाल दिया, और बारिश भी रुक गई, शुक्र है बारिश रुकी थोड़ी देर, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चंडीगढ़ की न्यूज़ आ रही है, मोहाली की न्यूज़ आ रही है, वहाँ पे तो गाड़ियाँ पानी में तैर रही है, और डेराबसी में तो बिल्डिंगों में जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर पानी भर चुका है, ऊपर वाले फ्लोर थोड़े सेफ है, लेकिन उनको भी डर है कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए पानी खड़ा होने की वजह से, इतनी ज़्यादा बारिश। मम्मी बता रही कि ऐसी बारिश ना सन 1988 में हुई थी, और हमारा खेत भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये खेत कैसे पूरा लपाला भरा हुआ है, ये ताजी का खेत और हमारा पूरा ही वो सामने, क्या हुआ मम्मी, और को ट्रैक्टर पानी में खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर क्या। तो मैं ना अभी स्कूटी लेके बाहर निकला क्योंकि बारिश रुकी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि घूम के आता हूँ, लेकिन यहाँ पे हो रखी है स्लाइडिंग, देखो यहाँ पे कितना ऊपर से रेत मिट्टी आया हुआ है, तो अभी मेरे को स्कूटी यहाँ पे ध्यान से चलानी पड़ेगी, अगर वन हैंड सिंगल हैंड ड्राइव किया तो मुश्किल हो जाएगी। और देखो यहाँ पे ये स्लाइडिंग है, भरत जी को फ़ोन आया कि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होती, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कितनी स्लाइडिंग होती है, और ये इस तरह से ये परे तक यहाँ तक मलबा पूरा आ रखा ऊपर से, और नीचे रिवर का हाल कुछ इस तरह से है, रिवर में पानी पूरा फुल पूरी भर के चल रही है, और आज ट्रेन भी नहीं आएगी क्योंकि ट्रेन का ट्रैक जो पूरी तरह से बंद है, तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे हालत हो जाती है। बस ये है कि हमारे घर के पास इतना मलबा नहीं पहुँचता, थोड़ी पहाड़ियाँ दूर है, ऐसे हमारा घर सेफ है, कुछ भी कहीं भी बारिश हो यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होती, और पानी जितने भी होता है वो निकल जाता है साथ के साथ ही। आगे फिर से यही हाल है, स्कूटी लेके जाना बहुत मुश्किल है, स्कूटी के यहाँ पे तो बाइक भी नहीं जाएगा, तो इस तरह की कंडीशन हो रखी है। हेलो, हमारा यहाँ पे अब निकलना बंद, सामने से बाइक आ रही है ना, देखना कैसे कैसे निकलती है वो। इतनी रेस देने की जरूरत नहीं भाई साहब, थोड़ा सा क्लच भी छोड़ लो। सारा पहाड़ जो है ना, ये जितने भी इसके लूज मक बोलते हैं ना, जितना भी लूज मक है ना, वो सारा नीचे आता है, क्योंकि पहाड़ों के एज पे पेड़ पौधे नहीं होते और कटिंग हो रखी है पहले से, तो फिर वहाँ पे ये ज़्यादा गिरते हैं। देखिए इस जगह पे भी पानी से रुकी हुई सब जगह ना, ये हालत है, और ये सरकारी बस यहाँ पे आई हुई है, शायद उनको लग रहा हो कि ये रास्ता खुला हुआ है तो इस साइड से निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी रास्ता बंद है, तो फिर बस वाले बस को पीछे लेके जा रहे हैं, मेरे को लगता है बस नहीं निकली। देखो ये सारी ना इस साइड, ये सारी पहाड़ी के ऊपर से मलबा है, हर बार यहाँ से गिरता है, तो ये सारा रेलवे लाइन में आ गया, रेलवे लाइन बंद,
और ये बस यहाँ पे फंस चुकी है, मतलब बैग लेके जा रहे हैं, आगे नहीं जा सकती। तो मेरे को स्कूटी लेके आने में बहुत मुश्किल हुई, अब बस बैग जाएगी। और देखो यहाँ पूरा पानी और मिट्टी, पूरा सब कुछ यहाँ पर फंसा हुआ है। जगह जगह पे स्लाइडिंग हो रखी है और रास्ता हमारा बंद था, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने थोड़ा थोड़ा रास्ता खोल दिया है, चलने जितना, मतलब गाड़ी आने जाने जितना रास्ता जो है वो खोल दिया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने। हे भगवान, देखो यहाँ पे कितनी सारी स्लाइडिंग हो रखी है। मेरे को लगता है उनके आने के बाद फिर से दोबारा स्लाइडिंग हुई है। ये कितना बुरा हाल हो रखा है रास्ते का, देखो यहाँ पे। ओह माय गॉड, देखो कितना रास्ता मलबे से भरा हुआ है। ये दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे ना 4 साल के बाद ऐसी बारिश हुई तब जाकर के स्लाइडिंग हुई, अदरवाइज 3 साल यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं हुई। थोड़ी बहुत होती थी नॉर्मल, मतलब उसमें से बड़ी बस भी निकल जाती थी, लेकिन ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है। छोटी गाड़ी के लिए खुला है, बड़ी गाड़ी अंदर के रंग देखिए कितने अच्छे हैं। अभी ना एकदम से धूप निकली और यहाँ पे रेनबो बना हुआ है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। वाओ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये रेनबो दिखा है। हो सकता है कि हमारे एरिया में ही दिख रहा हो, विजिबल हो, बाकी एरिया में किसी में विजिबल ना हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन रेनबो दिख रहा है। और ये थोड़ा सा बना है, अभी धूप निकली ना एकदम से तो अचानक से बन गया। देखो पहाड़ों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिमला में हूँ, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर धूप है, उसके पीछे छाया है, हमारे यहाँ पे भी छाया है और हमारे गांव में भी धूप निकली हुई है। गांव खाली करने के लिए बोल दिया, गांव खाली करने के लिए बोल दिया, हाईलाइट हो गया। चुप बोले पुत्र, घर खाली करना पड़ेगा। हाईलाइट हो रखा है पंजाब के काफी सारे एरिया में, यहाँ पे नहीं। मम्मी को क्या लगा, मैं आपको क्या लगा है? अगर मान लो बाढ़ की सिचुएशन हो फिर बस फिर वही सिचुएशन है। मम्मी काफी सारे एरिया में बोल रखे है कि गांव खाली कर दो, पानी बहुत आ गया। यहाँ पे नहीं, जलंधर साइड में और रूपनगर साइड, लुधियाना, इस पंजाब के साइड में काफी गांव खाली करवा रहे। मेरे शोर में नहीं आता पानी। मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि जो हिमाचल में बाढ़ की सिचुएशन बन रही ना, मतलब बाढ़ आई है, काफी जगह फ्लड आया है। मंडी में पंडो डैम के गेट खोल दिया, हाई फ्लड जो गेट होते ना, तो उससे काफी पानी आया मंडी शहर में, पूरा पानी। मम्मी को दिखा रहा था HRTC की बस फंस गई है ना मम्मी, कैसे लोग निकल रहे उसमें से, है सबको मुसीबत है। मम्मी ऐसे बोलते हैं ना कि पहाड़ी एरिया में घर नहीं होना चाहिए, तो पहाड़ी एरिया में भी सेफ नहीं है लोग, और मैदानी एरिया में भी लोग सेफ नहीं है। जब मैदानी एरिया में पानी फिरता है ना तो लोगों के घरों में पानी चला जाता है, तो वहाँ पे भी लोग सेफ नहीं है। तो कुछ कुदरत के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। पानी ज्यादा पता लगता है भी इतना ज्यादा फ्लड आ रहा है, कुछ पता नहीं होता ना। इतनी बारिश पहले हुई नहीं, 4 साल पहले बारिश हुई थी तब भी इतनी नहीं हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, कुकड़ू वाला घर लगाऊ है ना, नानके में समा आता बहुत ज्यादा। दो तीन दिन तक रोटियां बाहर से आती रही हैं। आपके वहाँ पे भी घर पे भी नान के भी पानी आता था, पूरा भर जाता था ना, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाती थी। पर हमारा एरिया सेफ है, हमारे एरिया में पानी नहीं रुकता। हुआ कभी सन 88 में फ्लड आया था, तब यहाँ पे पानी आया था। हमारे बुजुर्ग बताते हमने तो देखा नहीं कि उस टाइम पे बहुत फ्लड आया था, हर जगह पे आया था। तब तो बहुत ही बुरी हालत हुई थी पूरे देश की ना, मतलब 3 दिन बारिश नहीं रुकी थी ना, ऐसे बोलते ना, 3-4 दिन लगातार बारिश लगी रही और डैम के गेट खोल दिए थे, तो सब जगह पे पानी पानी हो गया था। फिर उस टाइम पे ज़्यादा फ्लड आया था। अभी भी काफ़ी सारे एरिया में पंजाब में बोल दिए हैं कि अपने अपने घर खाली करके सेफ जगह पे चले आओ। कुछ लोगों को लेके भी जा रहे हैं, प्रशासन लेके जा रहा है, और मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेफ जगह पे ले जाके उनको रखा जा रहा है। लेकिन कहाँ लेके जाएंगे, पंजाब में सारा एरिया जो मैदानी एरिया, कुछ एक एरिया होगा जो हाइट पे होगा, तो वहाँ पे लेके जा रहे होंगे लोगों को कि सेफ जगह पे रहें और जान माल का नुकसान हो। लेकिन घरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी मम्मी, है ना, घर में मलबा मिट्टी। गर्मी थी तब भी नहीं सहन होती थी, अब इतनी बारिश हो गई। पर हमें 3 साल से बारिश हुई भी नहीं है ना, बरसात में इतनी बारिश हुई नहीं पहले। हिमाचल में होती थी अपर एरिया में, लेकिन पंजाब में लोअर एरिया में कहीं पे इतनी बारिश नहीं हुई। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई और पहली बरसात नहीं दिखा दी अपना रूप कि इस बार बरसात जब भारी होगी। सो आगे भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान जी इतनी भारी बारिश मत करना, अगर करना है तो एक दिन लगाओ बारिश और अगले दिन धूप निकाल दो। इतनी बहुत है रात को बारिश और सुबह सुबह धूप है ना।
पर मम्मी लोग डर रहता है। एक ना रवि ना प्रिया जी की कॉल आई, हमारे काफी रिश्तेदारों की कॉल भी आई कि आपका एरिया सेफ है ना, हिमाचल में फ्लड आ रहा है ऐसे ऐसे, और एक वीडियो आ रही है ना कि ऐसे ऐसे डैम के गेट खोले गए। तो हमारे घर से बहुत दूर है वो डैम, पंडो मंडी वाला डैम ना, वहाँ पे गेट खोले हाई फ्लड गेट, तो बहुत दूर है और हमारे गाँव में पानी नहीं आता। क्या हुआ? कितने ड्रामे कर रहे हैं, शूज में हाथ डाल के हाथ फंस गया, कैसे हाथ फंस गया, मेरे को डरा दिया तुमने। कौन सा गाना कहता वो गाना लगाओ, गोरा गल्ला गोरियां दे विच टोए असी मर गए नी ओए होए, कौन सा गाना लगाना। मैं बात कर रहा था कि हमारा एरिया सेफ है और बाकी कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जब कुदरत अपनी मनमानी अपना अपना कहर बरसाने पे आती है ना, तब सब कुछ फेल हो जाता है। और पूरे दिन बारिश लग रही है और हमने आज अपने घर की सारी एक रूम की सफाई की। क्या जानबूझ के करता है तू, नहीं निकल रहा डैम का पानी, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। सो हम रात, मम्मी हाँ मैं बता रहा था ना कि रामपुर के पास जगह पड़ती है कोटगढ़, वहाँ पे एक कच्चा मकान था, वो टूटा और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, हस्बैंड वाइफ और उनके लड़के। मेरे को, मैंने सुबह सुबह देखा, मेरे को बड़ा रोना आया, बड़ा मतलब लगा कि यार कैसे रात को वो सो रहे होंगे और सोच रहे थे उनका मकान गिर गया, तो बड़ा मेरे को लगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब क्या पता मम्मी रात को क्या सिचुएशन रही होगी ना, या उनको पता होगा कि घर टूटने वाला है या उनके सामने टूटा होगा। पर पहाड़ों में जाना भी कहाँ पे रात को ना, पहाड़ ना दूर से देखने को अच्छे लगते हैं लेकिन वहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हाँ जी, कौन गिर गया? ABCD गिर गया काकू का। सो भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और जो जिन लोगों की मृत्यु हुई ना उनकी उनकी आत्मा को शांति देना।